दोस्तों, HDFC बैंक ने रिसेंटली इंडिगो और मास्टर कार्ड से मिलकर दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, HDFC इंडिगो 6 रिवॉर्ड और HDFC इंडिगो 6 रिवॉर्ड XL बोल के। तो आज हम बात करेंगे इन दो क्रेडिट कार्ड के बारे में, डिटेल में जानेंगे इस दो क्रेडिट कार्ड के फीचर, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस दो क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक और इंडिया के टॉप एयरलाइन इंडिगो दोनों ने मिलकर मास्टर कार्ड से मिलकर दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक है एंट्री लेवल कार्ड और दूसरा है हाई एंड कार्ड। तो आज हम बात करेंगे दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में, जानेंगे दोनों क्रेडिट कार्ड के फीचर, बेनिफिट और चार्जेस, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इन दो क्रेडिट कार्ड से आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं HDFC इंडिगो 6 रिवॉर्ड और HDFC इंडिगो 6 रिवॉर्ड XL इन दो क्रेडिट कार्ड का जो वेलकम बेनिफिट है उसके बारे में। दोस्तों, इन दो क्रेडिट कार्ड में से अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री 6E प्राइम वाउचर मिलेगा, जिसको यूज करके आप प्रायोरिटी चेक इन कर सकते हो, या फिर आप क्विक बैगेज क्लेम कर सकते हो, या फिर आप सीट चूज कर सकते हो, या फिर आप फ्री खाना ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड ज्वाइन करने पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस फेयर टिकट वाउचर मिलेगा, जिसको यूज करके आप इंडिगो के टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड के लिए जाते हो तो आपको 1500 का वाउचर मिलेगा। अगर आप 6E रिवॉर्ड XL कार्ड के लिए जाते हो तो आपको 3000 का वाउचर मिलेगा। और दोस्तों, ये वाउचर पाने के लिए आपको कार्ड लेने के बाद फर्स्ट 3 मंथ आपको हर महीना 3 ट्रांजेक्शन करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो क्रेडिट कार्ड के जो मेन बेनिफिट है उसके बारे में। दोस्तों, इन दो क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप इंडिगो के फ्लाइट बुक करोगे तो आपको डिस्काउंटेड कन्वीनियंट फीस का फैसिलिटी मिलेगा। मतलब अगर आप इन दो क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंडिगो के टिकट बुक करोगे तो आपको पर पर्सन सिर्फ 100 रुपीज का कन्वीनियंट फीस पे करना होगा। इन दो क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप इंडिया के कोई भी पेट्रोल पंप में जाके फ्यूल डलवाते हो तो उसके लिए आपको सार्ज चार्जेस वेवर मिलेगा। आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज का होना होगा और एक महीना में आपको मैक्सिमम 250 रुपीज का सार्ज चार्जेस वेवर मिल सकता है 6E रिवॉर्ड कार्ड के लिए, और 500 रुपीज का सार्ज चार्जेस वेवर मिल सकता है 6E रिवॉर्ड XL कार्ड के लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास 6E रिवॉर्ड XL कार्ड होगा तो आप उस कार्ड को यूज करके डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 2 लॉन्ज एक्सेस कर पाओगे पर क्वार्टर। मतलब एक साल में आपको टोटल 8 लॉन्ज एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये फ्री लॉन्ज एक्सेस का फैसिलिटी आपको नॉर्मल 6E रिवॉर्ड कार्ड में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 6E रिवॉर्ड XL कार्ड में ही मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कार्ड के मेन फीचर, इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड को यूज करके स्पेंड करने पर आपको 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 24 मंथ के लिए वैलिड होता है, मतलब 2 साल के लिए वैलिड होता है। और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके आप इंडिगो के फ्लाइट बुक कर सकते हो, इंडिगो का जो पार्टनर्स है वहां पर आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को खर्चा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड को यूज करके इंडिगो के फ्लाइट बुक करते हो इंडिगो के वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म में, तो आपको 2.5% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप 6E रिवॉर्ड XL कार्ड को यूज करके फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड को यूज करके ग्रोसरी, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट में खर्चा करते हो तो आपको 2% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप XL कार्ड को यूज करके ये कैटेगरी में खर्चा करते हो तो आपको 3% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये सारे कैटेगरी को छोड़ के अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड को यूज करके दूसरे जितना भी स्पेंडिंग करोगे, फ्यूल ट्रांजेक्शन और वॉलेट रिलोड, ये 2 ट्रांजेक्शन को छोड़ के जितना भी स्पेंडिंग करोगे उसमें आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप 6E रिवॉर्ड XL कार्ड को यूज करके ये सारे कैटेगरी को छोड़ के दूसरे जितना भी स्पेंडिंग करोगे, फ्यूल ट्रांजेक्शन और वॉलेट रिलोड को छोड़ के, उसमें आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और दोस्तों, इंडिगो के जो पार्टनर मर्चेंट्स है, अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड को यूज करके वहां पर स्पेंडिंग करोगे तो आपको अप टू 10% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आपके पास 6E रिवॉर्ड XL कार्ड है और उसको यूज करके आप पार्टनर मर्चेंट्स में खर्चा करते हो तो आपको अप टू 15% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इंडिगो के पार्टनर मर्चेंट का लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में। दोस्तों, अगर आप 6E रिवॉर्ड कार्ड लेना चाहते हो तो आपको ज्वाइनिंग चार्जेस पे करना होगा 700 रुपीज प्लस GST का, और आपको एनुअल चार्जेस पे करना होगा 700 रुपीज प्लस GST का। अगर आप 6E रिवॉर्ड XL कार्ड लेना चाहते हो तो आपको ज्वाइनिंग चार्जेस पे करना होगा 2500 रुपीज प्लस GST का, और
और आपको एनुअल चार्जेस भी पे करना होगा 2500 रुपीस प्लस जीएसटी का। दोनों क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्जेस है 3.49% पर मंथ। अगर आपका कोई भी पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है तो उस अमाउंट के ऊपर आपको ये इंटरेस्ट चार्जेस पे करना होगा। अगर आपका कोई भी पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है तो आपको लेट पेमेंट फीस भी पे करना होगा। दोनों क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट फीस है 100 रुपीस से लेकर 950 रुपीस तक। कितना लेट पेमेंट फीस आपको लगेगा वो डिपेंड करता है आपका कितना ड्यू है उसके ऊपर। और दोस्तों 6E रिवार्ड एक्सेल कार्ड पर आपको डिस्काउंटेड फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस का फैसिलिटी मिलेगा। अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री के करेंसीज में पेमेंट करते हो तो आपको 2.5% का मार्कअप चार्जेस इस कार्ड में लगेगा। और दोस्तों दोनों क्रेडिट कार्ड का ही रिवार्ड रिडीमशन चार्जेस है 100 रुपीस प्लस जीएसटी। मतलब अगर आप इन दो क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हो तो आपको 100 रुपीस प्लस जीएसटी का चार्जेस पे करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इन दो क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये दो क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको इंडियन रेसिडेंट होना होगा, आपका एज मिनिमम 21 ईयर होना होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका एज मैक्सिमम 60 तक हो सकता है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका एज मैक्सिमम 65 तक हो सकता है। अगर आप 6E रिवार्ड कार्ड के लिए जाना चाहते हो तो आपका सैलरी मिनिमम 20,000 पर मंथ का होना होगा, या फिर आपके पास ITR होना होगा 6 लाख रुपीस का। अगर आप 6E रिवार्ड एक्सेल कार्ड के लिए जाना चाहते हो तो आपका सैलरी मिनिमम 1.2 लाख रुपीस पर मंथ का होना होगा, या फिर आपके पास ITR होना होगा 14.4 लाख का। दोस्तों ये जो HDFC बैंक और इंडिगो का क्रेडिट कार्ड है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है इंडिगो। अगर आप इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एयर ट्रेवल करते हो तो ये कार्ड आपके लिए मस्ट हैव कार्ड है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जहां पर आप इंडिगो के फ्लाइट नहीं देख सकते। दोस्तों दूसरे एयरलाइन के साथ भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, जैसे कि एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड, SBI एयर इंडिया क्रेडिट कार्ड, पर दोस्तों ये जो इंडिगो के साथ क्रेडिट कार्ड है ये सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडिगो ये सारे एयरलाइन में से सबसे चीपेस्ट है। अगर आप कोलकाता से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई कोई भी फ्लाइट कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिगो का प्राइस जो है वो सबसे कम है। और आम आदमी मतलब नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि इंडिगो को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो HDFC बैंक इंडिगो क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। और दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड जैसे कि दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 6E रिवार्ड और 6E रिवार्ड XL। मेरे ख्याल से 6E रिवार्ड XL बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 6E रिवार्ड में आपको जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं उससे दुगना रिवार्ड पॉइंट्स आपको 6E रिवार्ड XL कार्ड में मिलता है। हालांकि XL कार्ड का चार्जेस भी ज्यादा है, नॉर्मल कार्ड में आपको 700 रुपीस का चार्जेस पे करना होगा और XL कार्ड में आपको 2500 रुपीस का चार्जेस पे करना होगा। पर दोस्तों आप सोचो, XL कार्ड में आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप सच में बहुत ज्यादा एयर ट्रेवल करते हो, इंडिगो के साथ बहुत ज्यादा एयर ट्रेवल करते हो, तो आपके लिए 6E रिवार्ड XL कार्ड बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा है इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।